नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष और आप लोग देख रहे हैं हमारा खास शो ऑन द रिकॉर्ड। दोस्तों आज मैं आपको क्या बताऊं कि बहुत ही ज्यादा शुभ दिन है, क्योंकि आज है हमारे बीच में फोगट परिवार। माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे दंगल 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 दंगल। आपका आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। आई 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 मेहनत करने से सब कुछ होता। बोल सोनू। अरे थोड़े बोल ना, सुन रहा ना तो मेरी बात। हाँ 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 तो हाँ मैं बताना, मैं जब 12-15 साल का था, छोरा था, उतना बड़ा भी नहीं था, पतला सा था बिल्कुल। मेरी माँ ने मेरी को कटिया थमा दी, कटरा वो भी 150 किलो का, तो बोला इसको जाके खेत में चारा ले गया, चारा खिला दे उसको। मैं तो बड़ा सा 12-13 साल का छोरा, ले गया उसको, वो मेरे को खींचता हुआ ले गया, पता नहीं उसको क्या दिखा, आगे जो भागा मैंने उसकी चेन पकड़ी, जो भागा मेरे को घसीटता ले गया खेत में। ओह नो, ले गया खेत में, मैंने वही ठान ली मैं अब इसको छोड़ूंगा नहीं, इस कटनी को मैं इसको दिखा दूंगा। मैंने फिर आया मेरे को जोश, दूध पिला, दूध दूध पिलाते पिलाते फिर मैंने अखाड़े में गया, फिर मैंने कुश्ती कर ली, एक्सरसाइज बहुत सारी कर ली, लड़ने लगा। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब जो आप जो कटड़े से लड़ने लग गए, और फिर सर वो मुझे एक बात बताएं कि वो जो कटड़े ने जो तो दूध जो था वो कौन पी जाता था, भैंस का, मतलब कटड़ा पी जाता था, आप पी जाते थे? कटड़े को क्यों दूं मैं, ना पीऊं खुद तभी तो। और मैं छोरी पी रही। तो दोस्तों हम अपनी चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, और हम अपनी चर्चा में अभी हमने जाना कि इन्होंने कैसे अपने शरीर में ताकत पैदा की, कैसे कैसे बछड़े का दूध चुरा कर ये पी लेते थे, और उसके बाद भैंस को भी पटखनी देकर इन्होंने कुश्ती सीखी अपने शुरुआती दौर में। तो अब हम आपसे दूसरा सवाल ये पूछते हैं कि चलिए, अरे छोरा मेरी छोरी को इधर बुला रहा है, मेरे से सवाल पूछ रहा है, मेरी छोरी से ना पूछेगा? हाँ हमारा दूसरा, हमारा जो दूसरा सवाल है वो आपसे ये है कि अच्छा अच्छा हमारा दूसरा सवाल आपसे ये है जी सीता फोगट जी, कि जब आप पहली बार लड़कों से लड़ी, जब आप पहली बार लड़कों से लड़ी तो आपको कैसा महसूस हुआ? जब मैं मैदान में गई तो मुझे एकदम सामने से लड़का लंगोट में, बड़ा अजीब सा लगा मुझे, बट मैं थोड़ी सी सहम सी गई थी उस टाइम पे, बट पीछे से एकदम से पापा की आवाज आती है, बापू मार छोरे ने, फिर मेरे को एकदम से जोश आ जाता है और मैं जो दूध सर, आपने अपनी बेटियों को इतनी अच्छी शिक्षा दी है, सर आपने अपनी बेटी को इतनी अच्छी शिक्षा दी है, तो आप अपनी बेटी के लिए कोई लड़का वड़का ढूंढ रहे हैं, या मतलब अभी तक सब बात ऐसे ही चल रही है? Do you know?
you know? मैं तेनू किन्ना प्यार करदा, do you know? अरे छोरे, ए छोरा, कहाँ खो गया? हमें लाता बात करने, पता नहीं खुद कहाँ खो जाता। बिल्कुल ठीक है फोगट जी, आपका हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और सीता जी आपका भी हमारे। वैसे तुम्हारे डोले भी सही हैं, अखाड़े में आ जाना, आप मेरे साथ चलो। दोस्तों आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, नया साल आने वाले समय में आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा शुभ हो। की पार्टी में भी।